ओ भाई साहब, अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मेरे पास में आया है। ऑर्डर है 711 रुपए का भाई। अब देखो पोर्टर का तो मैं गजब पागलपन दिखाता हूँ। ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपके सामने लिखाया नेटवर्क एरर, और भाई उसमें ये कह रहा है ऑर्डर हैज बीन कैंसिल ड्राइवर रिलेटेड इशू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भाई काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही दिल कर रहा है, बट क्या करें यार, मजबूरी ऐसी है कि भाई अगर निकलेंगे नहीं तो फिर खर्चा कैसे चलेगा। तो आज मैं बहुत ही लेट निकला हूँ, 12 बजे निकला हूँ घर से। मन ही नहीं था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, बस फिर वही सोचा यार कि फिर जितना नहीं जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, और तो इसलिए निकल चुका हूँ। मीटर की रीडिंग की भी बात कर लेता हूँ साथ के साथ में, तो 12,690 किलोमीटर चली हुई है भाई। इतनी गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का, बहुत आलस आता है यार। मौसम बहुत ज़्यादा, बहुत टेम्परेचर हाई है यार। पैसे ही खर्च हो जाए, जितने कमाते हो उतने, बस कभी गन्ने का जूस, कभी मौसमी का जूस, कभी बेलपत्थर का जूस, इसी में ख़त्म हो जाते हैं यार। इस चक्कर से मन ही नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं यार, देखते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है। कुछ भी कर लो भाई, गुड़गांव तो पीछे छोड़ता ही नहीं है हमारा। पहला ही ऑर्डर गुड़गांव का आ गया भाई मेरे पास में। ये सेक्टर सुशांत लोक का है, सेक्टर 27 लिखा था या 47, ये नहीं पता। बाकी पिकअप करने चल रहे हैं भाई ऑर्डर। भाई पहुंच गया हूँ, ये ले, यहाँ से लेना है। ये लेके जाना, ये भी ठीक है। ये लो भाई, ये लेके जाना है, इसको बांध लेते हैं, और डब्बों को क्या नाम है इनको, इनको बैग में रख लेते हैं। पार्सल तो मैंने बांध लिया है, एक बार डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं मोबाइल को जेब में रख लूँगा, क्योंकि वहाँ तक का तो रास्ता मैंने देखा हुआ है। 20 किलोमीटर है भाई, 43 मिनट लगेंगे। ये देखो पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं रख लेता हूँ जेब में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई पहुँच तो गए, ₹222 देना। ये लो, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, आप सीएनजी डाली हुई है। लेवर रहता है ऊपर भैया, ये कौन देता है, बाद में आके दे जाता है। भाई कंप्लीट हो गया ये ऑर्डर, एक एक रुपए का हिसाब किताब करता हूँ, पूरे पैसे दे गया हूँ, एक एक रुपए 5 स्टार के साथ। अबे डन कर दिया भाई, 5 स्टार के साथ में इसको कंप्लीट हो गया ये ऑर्डर। 100 बड़ी जल्दी अपडेट कर दिया तुरंत ऑर्डर। पैसे 70 रुपए का, 17 से पिकअप, बहुत लंबा पिकअप होगा भाई ये। मैं कहाँ हूँ, कौन से सेक्टर में हूँ, सुखराली कितनी दूर होगा यहाँ से, काफ़ी दूर है भाई। नेटवर्क एरर, बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए हर ऑर्डर पे मेरे पास, जो लंबा पिकअप हो ना उसमें नेटवर्क एरर से मिस ही हो जाए डायरेक्ट। अब देखो पोर्टर का तो मैं गजब पागलपन दिखाता हूँ। ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपके सामने लिखाया नेटवर्क एरर, और भाई उसमें ये कह रहा है ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल ड्राइवर रिलेटेड इशू। अब बताओ क्या कर सकते यार, ऑर्डर एक्सेप्ट भी नहीं किया फिर भी लिखा रहा है ऑर्डर कैंसिल हो गया भाई ड्राइवर के रीजन से। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब बताओ क्या करोगे पोर्टर वालों तुम इसमें। अभी फिलहाल मेरे पास में ये ऑर्डर आया है, एक्सेप्ट किया मैंने, 133 रुपए का, जो कि सेक्टर 58। अरे भाई टाइमर भी लगा दिया भाई, यू हैव मिस लास्ट ऑर्डर, 60 सेकंड डिले। कब भाई, कौन से ऑर्डर मिस कर दिए मैंने, ये भगवान क्या जुलुम है। अबे भाई ये क्या कर रहा पोर्टर वालों, मतलब अपने ऐप को देखो क्या हो रहा है भाई, लाइव देखो यार क्या हो रहा है आपके ऐप में, इसको ठीक करो यार। मैंने तो ऑर्डर कोई मिस भी नहीं किया, एक आपके सामने नेटवर्क एरर पे मिस हुआ है, वो नेटवर्क एरर पे दिखाया, अब वो दिखा दिया मेरे ऊपर कैंसिल। फिलहाल ये 1.3 किलोमीटर का पिकअप है जिसमें 7 मिनट लगेंगे, तो इसे करते हैं फटाफट पिकअप बिना किसी देरी के। किधर से जाऊं भाई, इस सोसाइटी में मैं इस मंथ के अंदर लगभग तीसरी बार आया हूं,
और यहाँ से मैं राइड भी लेने आता रहता हूँ, पोर्टर भी लेने आता रहता हूँ। तो एच में आया हूँ मैं, एच कहाँ पर है, एच वोरा। 100 लेते हैं फटाफट पिकअप और चलते हैं यहाँ से, फिर डिलीवर करना है। भाई 10 मिनट से मैं इस ऑर्डर पे हूँ और पोर्टर कह रहा है आपके पास में जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है 1:13 पे, ये 76 रुपये का जो ऑर्डर मेरे पास में आ रहा था, कि आपके रीज़न पे कैंसिल हुआ। नोटिफिकेशन तो इधर आ गई थी, बल्कि आप मुझे देख सकते हो, मैं भाई इस ऑर्डर पे लाइव था। जब देख रहे हो, जब बताओ पोर्टर, अब मैं कैसे यकीन कर लूँ पोर्टर के सिस्टम पे कि हाँ भाई पोर्टर सब कुछ ठीक ठाक है। भाई मेरे सामने, खुद के सामने इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद इतना परेशान हो रहा हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों से। कंपनी को दिखाना चाहता हूँ ये सब चीज़ें कि भाई क्या क्या कमियाँ ऐप के अंदर हैं। बाकी अभी मैं ड्रॉप दिखा देता हूँ, इसका कितना ड्रॉप है। तो इनाम कैसे जीत सकता हूँ मैं, कभी भी नहीं जीत सकता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ रखी है, मैं तो इसलिए करता ही नहीं हूँ, अब किसी से बोलता ही नहीं हूँ फालतू में। देना दो, नहीं देना मत दो भाई। भाई बहुत सारे बंदों के डाउट्स होते हैं कि भाई डोर स्टेप डिलीवरी नहीं, आप फ्लोर पर जाते हो, एक्स्ट्रा चार्ज लिया करो या मत जाया करो। अभी ये 9th फ्लोर का ऑर्डर है, डिलीवरी करनी है, तो अब आप ही के सामने क्लियर कर लेते हैं। पोर्टर सपोर्ट को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हमें फ्लोर पर जाकर डिलीवरी देनी है या कस्टमर को बाहर बुलाना है। ये चीज़ भी आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं। कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं फटाफट। हेलो, गुड आफ्टरनून, बात कर रही, बताइए क्या सहायता कर सकती हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास में एक, मैं अभी डिलीवरी लेके आया था, इसमें 9th फ्लोर की डिलीवरी है, क्या हमें ऊपर जाकर डिलीवर करना है या कस्टमर को बाहर बुलाना है? हाँ जी मैम, उसी की बात कर रहा हूँ। और बाई चांस अगर मैम 20 kg का पार्सल है, 20 kg का, उसको भी ले जाकर डिलीवर करना है अपने सर पे रख के? 20 kg का ही तो कैपेसिटी होता है टू व्हीलर। नहीं, वही मैं वही तो कर रहा हूँ, जैसे अब मान के चलो बाहर पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी, अंदर 100-200 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, 20 kg का पार्सल है, तो वो बंदा अपने सर पे रख कर ले जाएगा? डिलीवरी करने आया है, मजदूरी करने आया है जी? डोर टू डोर सर्विस होता है टू व्हीलर में, तो आपको ये पूरा उनके डोर पे ही देना पड़ेगा सर, एज पर द कंपनी रूल। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम इन्फॉर्मेशन के लिए, यही आपसे पता करना था। तो भाई आपने सुन लिया होगा, अब मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कहती है कंपनी कहती है। भाई अगर मैं नहीं करूँगा डोर स्टेप डिलीवरी जो इन्होंने बताया, तो ये सीधा आईडी कर देंगे सस्पेंड। अगले दिन कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी थी कि राइडर ऊपर नहीं आया। तो भाई जो बंदे मुझसे कमेंट करके बोलते भाई तू क्यों जाता है डोर पे देने, तो भाई देख लो ये वीडियो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि डिलीवरी कहाँ करनी होती है। जैसे कंपनी चला रही वैसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी आईडी जाएगी बंद। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने भाई, डिलीवर कर दिया ये ऑर्डर, तो आपको समझ आ गया होगा भाई बाइक वाले भाई कुछ नहीं कर सकते। 20 kg का सामान हो, 15 kg का सामान हो, कितने भी दूर जाना हो, आपको कस्टमर के गेट तक देकर आना पड़ेगा। बाई चांस हाँ, आप ये कर सकते हो, कस्टमर की लोकेशन में पहुंचे, कॉल करो, अगर वो बाहर आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते तो आपको ही जाना पड़ेगा, आप फोर्स नहीं कर सकते। इसको कंप्लीट करते हैं 5-star रेटिंग के साथ में, डन। अब ये देखो डिले जो दिखा रहा था वो रिमूव हो गया, किस बात का डिले था, क्या था, मेरे पास भी कोई ऑर्डर मिस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी तक 300 रुपये की अर्निंग हो गई है, आप देख सकते हो, और टाइम हो चुका है मुझे 2:18, 300 रुपये का काम, बहुत बढ़िया। बाकी वेट करते हैं ऑर्डर का। काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देख ली होंगी, नई नई जो नहीं पता थी बंदों की। मैं तो सीधे भाई सपोर्ट पे कॉल करके आपको सब कुछ बातें सुनवा दी कि भाई क्या क्या सीन है पोर्टर के अंदर। अब भाई परेशान होकर जा रहा था, सेक्टर इधर 54-53 की तरफ आ गया हूँ मैं, और यहाँ से अपने पास में ऑर्डर आ गया भाई, कितने रुपए का, 362 रुपए का, फरीदाबाद। भाई गजब का ऑर्डर फरीदाबाद का। अब ये गोल चक्कर से पहुँचते हुए 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, पिकअप करने जा रहा हूँ, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। अंदर की खुशी आप जान ही सकते हो भाई कितनी होगी कि 350 रुपये का ऑर्डर मिल गया। चलो फटाफट चलते हैं पिकअप करने भाई। आई लव गुड़गांव, लव यू टू। इसकी पेमेंट वही कराएंगे क्या, इसमें डॉक्यूमेंट UPI? हाँ UPI ना, हाँ हो जाएगा। क्या इसमें UPI होगा ना? नहीं मैं इसमें क्या, इसमें कैश
नहीं मैं कैश के नहीं, इसमें क्या है मैं कह रहा हूँ। अरे एक जेल पैड है। अच्छा कोई हेलो, वही पूछना था। ठीक है भाई, जेल पैड बता रहे हैं, ऐसा पेपर ही लग रहा है देखने। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिप को। कहाँ गई भाई, स्टार्ट तो मैंने कर दी। डिस्टेंस दिखाता हूँ आपको, 362 रुपये का ऑर्डर और डिस्टेंस से 33 किलोमीटर, 58 मिनट लगेंगे भाई। गजब भाई, ये पहुँच गया हूँ लोकेशन पर फरीदाबाद में। जी 362। हाँ लग नहीं रहा ना। मुझे भी खाली लग रहा था। एक कंप्लीट हो गया है ऑर्डर, 5-स्टार रेटिंग के साथ में डन। ओहो वो बहुत जल्दी अर्निंग अपडेट हो रही है, तुरंत डिलीवर करते ही। पहले 2-3 सेकंड का टाइम लगता था, बट अब तो कंप्लीट करते ही डन। अपडेट में ये बढ़िया कर दिया भाई, 593 रुपये का काम हो गया है। ये सही है, 3 घंटे 55 मिनट। जो चीज़ अच्छी होती है हम उसकी तारीफ करते हैं, जो चीज़ गलत होती है हम उसकी बुराई करते हैं। ओ भाई साहब, अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मेरे पास में आया है। ऑर्डर है 711 रुपये का भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, बवाना बस स्टॉप भाई 711। देख रहे हो आप, इतना बड़ा ऑर्डर अभी तक मैंने कभी नहीं किया भाई। 1.2 किलोमीटर का पिकअप है भाई। चलो फटाफट चलते हैं पिकअप करने इस ऑर्डर को भाई। ओ भाई 700 रुपए यार। ये वीडियो बनती है इससे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं अपने काम के। यहाँ हाँ सब बढ़िया बन गया उधर के, तो अपना जाना ही कहाँ होता है, 5 साल से यही है, 5-6 साल से दिल्ली। भाई हम तो महीना में 6 बार जा कर रहे और 1 साल से लगभग मेरा बंद। क्या अब कहीं नहीं जाएगा? ठीक है भाई, पार्सल मुझे मिल चुका है, ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। और अब इसका डिस्टेंस देखते हैं और भाई कितना टाइम लगेगा वो भी देखते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। ओ भाई एक कोने से दूसरा कोना भाई, ये देखो। अभी भाई खुल के आएगा डिस्टेंस, मेरी तो हवा टाइट हो जाएगी भाई इतने लंबे डिस्टेंस में। 79 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। 79 नहीं, इस वाले से चलते हैं जो गुड़गांव से लेके जा रहा है, ये ठीक। ओ भाई ये तो 86 है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा भाइन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो चलो करते हैं इसको कंप्लीट भाई, ढाई ढाई में भी 3 घंटे मान के चलो भाई, रास्ते का सफर है बहुत टाइम लगेगा। चलो करते हैं भाई कंप्लीट, बचेगा क्या इसमें? कुछ भी नहीं, बहुत कम पैसे बचेंगे भाई इसमें। अच्छा कर रहे हैं मेहनत, मेरे 2 साल होने वाले लगे हुए हैं। ओके भाई ओके, थैंक यू। चलो बिल्कुल, कमेंट करोगे तो जरूर पता चलेगा भाई। चलते चलते सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं चैनल का ऐड देख के, ये सही है ना भाई। भाई लगभग 3 घंटे हो गए हैं मुझे बाइक चलाते हुए, सूरज देख सकते हो, सनसेट बिल्कुल, कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई। अभी 8 किलोमीटर और रह गया है भाई मेरी हालत ना बिल्कुल बहुत ख़राब हो रखी है, मतलब इतनी लंबी बाइक चलाना और भाई साहब दिल्ली का ट्रैफिक मार लेता है भाई, बहुत गंदा सीन है भाई। और ऊपर से रेट कम, तो तुम समझ ही सकते हो यार कितना गुस्सा आता है। एक तो पैसे उतने नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए, और ऊपर से इतना लंबा डिस्टेंस, क्या ही बताया यार। गाड़ी फिर भी मैं काफ़ी तेज लेके जा रहा हूँ जहाँ खाली मिलती है, नहीं तो बाकी में तो भाई स्लो ही चलानी पड़ रही थी। ये मैप मेरे से सारे उल्टे काम करवा रहा है, पिटवाने के ढंग कर रहा है, चालान कटवाने के, मेरे से बोल रहा है ये सर्विस लेन है। भाई ये कहाँ से सर्विस लेन है? सामने अगर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया ना, बोलेगा रॉन्ग साइड आ रहा है। अब मेरे को मैप कह रहा है कि आप सर्विस लेन में चल रहे हो और आगे से भवाना रोड पकड़ लो। भाई यार ये गूगल मैप यार इसको ठीक कराओ यार, ये चालान मालान कटवा देगा हमारा रॉन्ग साइड का यार, सर्विस लेन बोल के। अरे ऐसे खुल जाओ, पेमेंट भी करानी है इसकी 711 रुपये। इसमें कैमरा भी लगा रखा है? हाँ वीडियो बनाते हैं यूट्यूब। वो जल्दबाजी के चक्कर में किसी को गलत ऑर्डर दे दिया तो वो चेक तो हो जाएगा कम से कम बाद में,
है कि नहीं। अब बना लिया हमारा, हाँ तुम्हारा बन गया, गलती से कहीं और हो गया कि भैया इन तीन बंदों को दिया था, पकड़ लो जाके। हो जाता है ना कई बार, जल्दी आके अल्लाह भैया दे दो, हमें तो ऐसे लगता उन्हीं का है। रिकॉर्डिंग चालू रहती है? नहीं जब चालू करते जब होती है, अभी बंद कर रखी है, अभी चालू है। जब से मतलब जहाँ लेना देना होता है वहाँ चालू कर लेते हैं। ये 45,000 का, 45,000 का कौन सी कंपनी का है? ये GoPro है। अब तो ये ऑर्डर देखते हैं भाई, ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट, 5 स्टार के साथ में किया इसको कंप्लीट, और अब देखते हैं भाई तुरंत। 1150 का काम हो चुका है अभी तक। अब इसकी हिस्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये ऑर्डर मैं लेकर निकला था 3:39 पर और अभी टाइम हो रहा है 7:09, मतलब पूरे पूरे एक तरीके से 3 घंटे चले गए, कुछ ही मिनट बाकी हैं। 3 ज़्यादा चले गए यार, 3:30 के समथिंग पहुँच गए यार, ज़्यादा टाइम हो गया भाई, 3.5 घंटे के समथिंग लग गए एक ऑर्डर में, जिसमें 142 कंपनी का कमीशन चला गया। मुझे मिले 568 रुपये, 80 किलोमीटर के 568 रुपये मिले मुझे, क्या फ़ायदा हुआ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया यहाँ भवाना में। पोर्टर का कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है क्योंकि आप देख सकते हो रात हो चुकी है, पूरे में अंधेरा अंधेरा। तो यहाँ से मैंने एक ऑर्डर एक्सेप्ट राइड एक्सेप्ट करी है ऊबर के अंदर 259 रुपये की, और अबे ये रास्ता है भी या नहीं है, ओ भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ लिया है। अब यहाँ से रास्ता है नहीं है, 259 रुपये की राइड है भाई, कहाँ से ये रास्ता कहाँ दिखा रहा है भाई, इधर से है वो रास्ता, इधर से नहीं है भैया, इधर से नहीं है, ये मैप पागल हो गया। दीवारों में जंगलों में लाके फंसा दिया भाई, मैप ऐसे ही करता, बताओ यार कोई रास्ता ही नहीं है यार, कहाँ लेके आ गया मुझे जंगलों में। चलो पिकअप करने चलते हैं फटाफट कस्टमर को। क्या गजब का जाम लगा है भाई यार, इतना जाम यार, बिल्कुल भाई पैक हो रखा है, बताओ यार। भवाना इतनी दूर का एरिया है, दिल्ली से इतना आउटर है, फिर भी यार यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। OTP पूछ लो। हेलो भाई साहब, 62 हेलो भाई, राइड तो हो गई है, अब एक बार देख लेते हैं कहाँ से दिखा रहा है। फ्लैट भैया 32 किलोमीटर और इधर से 30 किलोमीटर। भाई इधर से जाना पड़ेगा। चलो ऊपर वाला भला करे इस ऊबर का कि ऊबर ने मुझे यहाँ से निकाल लिया भाई, नहीं तो मैंने यहाँ से घर चेक किया तो एक डिस्टेंस दिखा रहा था 59 किलोमीटर और 147 किलोमीटर। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है इतना लंबा खाली जाने में। चलो 30 किलोमीटर की राइड मिली है 260 रुपये के समथिंग, जो भी काट कूट के मुझे 247 या 245 मिलेंगे, कोई बात नहीं। फटाफट इस राइड को कंप्लीट करते हैं, फिर ऐसे ही राइड करते हुए अब घर निकलते हैं, पोर्टर को नहीं खोलेंगे। अब ऊबर रैपिडो ओला इनको मारते हुए अपना घर चल रहे हैं सीधा, जो भी अर्निंग होगी देखी जाएगी। ये लो जी पहुंच गए भाई, लेट कैश था, कैश हाँ नहीं मतलब कैश दिखा रहा था 260 260। भाई कंप्लीट हो गई है राइड, डन, रेटिंग हो गई। भाई साहब 1.25 घंटा चला गया एक तरीके से इस राइड में, भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, चलो कम से कम मैं वहाँ से निकल के तो आ गया भवाना से। भाई सागरपुर से राइड ले ली मैंने नारायणा, बैठा था मैंने बोला यार कि नारायणा तो ले लेते हैं, 13.5 किलोमीटर यार 10 रुपये प्लस ही पड़ जाएगा, और नारायणा रास्ते में भी है, उधर से फिर घर जाने का भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और सीधा सीधा रास्ते में तो मैंने ले ली राइड, अभी पिकअप करने जा रहा हूँ। भाई इनकी में कीड़ा था जो उठा और इन्होंने राइड कर दी कैंसिल, बाढ़ में जा रहा, बड़े बेकार आदमी यार, जब भी कैंसिल कर देनी चाहिए थी जब मैं आ रहा था, अब लोकेशन पे आ गया, फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन काट दिया, फिर कैंसिल मार रहा। ओ भाई साहब गाड़ी लग गई घर पे, और टाइम अगर आपको दिखाऊं तो 11:26 और मीटर की रीडिंग है भाई 12,905 किलोमीटर। मैं अब एक एक चीज को रिपीट करता हूं, कंपनी से मैं ये पूछना चाहता हूं जो ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो ऑर्डर मेरी आईडी पर कैंसिल क्यों हुआ।
और उसमें मेरे रीजन पे कैंसिल क्यों हुआ जब ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ? आपकी एक इतनी छोटी सी गलती की वजह से मुझे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिले। एक राइडर गलती करता है तो उसकी आईडी सस्पेंड कर दी जाती है। आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो तो आप इसका क्या करोगे या क्या आप इसका हर्जाना भरोगे? भाई जो राइडर एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑर्डर उसको कैंसिल दिखा दिया, ये मेरे साथ हो रहा है। जो बंदे वीडियो नहीं बनाते जो सिर्फ काम करते उनके साथ में भी ये होता होगा और उनकी आइडिया भी सस्पेंड होती होगी। और दूसरी बात, मैं 80 किलोमीटर ऑर्डर लेकर गया 700 रुपये में, आपने कमीशन तो पूरा 20% ले लिया 150 रुपये, पर मुझे क्या मिला 550, जिसमें 150 का पेट्रोल लगा, मुझे तो 400 रुपये बचे 3 घंटे में। तो मेरा क्या फायदा हुआ? मेरी तो भाई 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चली, तो भाई 7 रुपये किलोमीटर भी नहीं पड़ा। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में राइडर के पैसे कम कर सकते हो तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस में अपना कमीशन भी कम करना चाहिए। भाई हमें कम बच रहा है तो आप भी कम बचाओ ना भाई, कम से कम राइडर को 8 रुपये किलोमीटर तो बचना ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं होता है। 8 से 9 रुपये किलोमीटर राइडर को मिलने ही चाहिए। अगर यही मैं उबर में लेके जाता 80 किलोमीटर के तो 750-750 रुपये कंपनी फिर भी मुझे देती। तो भाई इसको ठीक करो, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको नहीं करानी डिलीवरी मत दो। अरे आप ऐसे रेट रखोगे तो कोई भी बंदा लॉन्ग ऑर्डर लेगा ही नहीं, फिर इसमें हमारा नुकसान नहीं है, आप ही का है। हम तो जैसे तैसे छोटे मोटे ऑर्डर करके काम कर लेंगे, पर आपके लॉन्ग डिस्टेंस वाले कस्टमर टूट जाएंगे, वो किसी और ऐप में बुक करना शुरू कर देंगे। तो इसको ठीक करो भाई। मैं वहां से खाली आया हूँ घूमते घामते, उबर उबर की राइडे वाइडे कंप्लीट करता हुआ, तो भाई ये अच्छा लग रहा है, मतलब कि यार वहां से भी ऑर्डर नहीं मिल रहा मुझे, तो भाई आपने तो देख लिया कि बस ये चला गया, आने का भी नहीं सोचना कि मतलब बंदा खाली भी आएगा वहां से। बाकी अर्निंग की बात कर लेते हैं, 1160 रुपये के समथिंग मेरी बोटर के अंदर हुई और 137 रुपये का मैंने एक बोर्जो का पार्सल डिलीवर करा था, 340 रुपये के समथिंग अपने उबर में हो गए और भाई 134 रुपये के समथिंग रैपिडो में। सारी अर्निंग मिलाकर भाई साहब लगभग 1770-1773 रुपये की हो गई। जोड़ दिए स्क्रीनशॉट आप साइड में देख लेना, जिसमें आज बाइक चली 215 किलोमीटर तो भाई 400 का तो पेट्रोल ही लग गया, 100 रुपये बाइक खाने में खर्च हो गए, खाना तो नहीं खाया, जूस वूस में ही खर्च हो गए, तो हमारे 500 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो गए। काम 1770 रुपये के किया तो भाई 1270 रुपये बचे 12 घंटे काम करके। बाकी मेरा भाई अब पोर्टर से वो जो भाई मैं जितनी उम्मीद रखता था सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जितना ऐप इस टाइम पे ग्लिच कर रहा है, जितनी ज़्यादा ऐप के अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं भाई, उतना दिन पे दिन मेरे दिल से पोर्टर निकलता जा रहा है एक तरीके से। बाकी अब तो मैं मिक्स काम करूँगा, कभी किसी में फिक्स नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर कंपनी तक ये वीडियो गई हो तो भाई ये जो चीज़ें मैंने ऐप के अंदर या ऐप के बारे में आप सभी को दिखाई, लाइव दिखाई हैं, कोई इसमें कट भी नहीं किया है, तो भाई इन सब चीज़ों को ठीक करो अगर अपने राइडर बचा कर रखने हैं। बाकी इस वीडियो को इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं नई नई अपडेटें आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।